जनता इनकी सारी चालबाजियां समझ चुकी हैं, अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं। तो रामनिवास सुरजा खड़ा भी है कि आज तक कभी किसी ने उसको आया तो देखे नहीं, चाहे किसी का कोई भी मुद्दा है, लोग यहाँ सड़कों में बैठे हैं, कोई मुद्दा है। ये पैसा आप कमेटी में जाकर एक बार देखें, जो पैसा कि इन्हें कमेटी के खर्च के लिए आते हैं वो पैसा अपने नाम का डंडोरा पीते हैं। के बहकावे में आके इस सरकार को आपने मौका देख लिया जी। पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं भी आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से, और आपका चैनल ऐसे ही जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाता रहे जी। आज छात्र जो सम्मान आप दिवस मनाया यहाँ पर, बलराज कुंडू जी भी आए थे। हाँ जी, एक तो आप छात्र समाज जो है हमारी विंग है उसका सम्मान कर रहे हो, लेकिन छात्र है वो रोडों पे है, किसान भी है जो हम रोडों पे है, और अभी अभी हमने आप यहाँ पर सम्मान कर दे छात्रों का, लेकिन नरवाना के जो जनता थी रोड जाम करे बैठे थे बिजली और पानी और सीवरेज की समस्या के लिए, क्या कहना चाहूँगा? समय के साथ साथ सारी चीज़ें एक परिवार में रहते हुए एक तो चीज़ नहीं हो सकती ना, परिवारों को बच्चों का भी देखना है, माँ बाप का भी देखना है, बुजुर्गों का भी देखना है। आज यहाँ सम्मान समारोह स्वर्जन कल्याण ट्रस्ट ने किया था और उसके उद्देश्य से हम यहाँ आए थे। इसके बाद और कई प्रोग्राम हैं, सभी जगह जाएंगे, बुजुर्गों की भी सुनेंगे, आम जन की भी सुनेंगे, जहाँ जैसा हमारे से हो पड़ेगा वैसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी है कहाँ एग्जिस्ट कर रही है हरियाणा में और इंडिया के अंदर जो हालात है इस टाइम? ये तो देखो आप सब भी जानते हैं कहाँ स्टैंड कर रही है। पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छा है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जब से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा है जो की थी, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता नेता है, नेत्री है, प्रत्याशी है, एक मतलब अलग सी है जो उनको बूस्ट मिला है। हाँ जी देखो, ये सच्चाई है बिल्कुल। जब हमारे बड़े नेता, हमारे शीर्ष नेता सड़कों पर उतरकर आम जन से उनकी समस्या से अवगत होते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो कार्यकर्ताओं को तो हमें एनर्जी मिलती है। आप दो बार यहाँ से जो इलेक्शन लड़े, हाँ जी, लेकिन जनता का विश्वास नहीं आप पर हो पाया, लेकिन आज जो हालात है इस टाइम, इस हालात को देखते हुए क्या आप कहेंगे नरवाना की जनता आप पे विश्वास करेगी अगर आपको टिकट दोबारा मिलती? बिल्कुल करेगी जनता विश्वास। वो विश्वास क्यों नहीं बन पाया, वो बीजेपी सरकार ने ऐसी गोलियाँ दे रखी थी ना आम जन को, वो अच्छे बुरे में कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाए अच्छापन को, वो उनके झूठे वादों में फंस गए। उनके 15 लाख वाले, 2 करोड़ रोजगार वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी कौशल योजना, डिजिटल योजना, उन्होंने तो सोचा धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा और हम अच्छी मजबूती के साथ सत्ता में आएंगे। भगवंत मान जी है जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने अब एक बयान दिया है कि कांग्रेस है उसका जो सफाया हो चुका है और अब जो इलेक्शन होगा उसमें पूरा साफ कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो अपनी व्यक्तिगत राय कोई भी कैसी रख सकता है, मेरी आपके प्रति कैसी राय है उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं ना। मैं कुछ भी किसी के आदमी में के बारे में सोच सकती हूँ, किसी को अच्छा कह सकती हूँ, किसी को बुरा कह सकती हूँ, वो उनकी सोच है। जो कर्नाटक का इलेक्शन है उसको जीत दिलवाने में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बड़ा जो हाथ है उसमें बताया गया है, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, हमारे नेता नरवाना की आन बान शान, हमारे प्रिय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया, वहाँ के प्रभारी रहे और बहुमत 138 सीटों का हमारे को मिला, जहाँ पर मैं वहाँ के कई लोगों से, मंत्रियों से मिली। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नीतियाँ बनाई, मैनिफेस्टो बनाया, 3 महीने पहले उन्हें घर घर बांटा गया, मतलब प्लानिंग के थ्रू काम हुआ, आम जन को समझ आई हमारी नीतियाँ और उन्होंने उसी के हिसाब से वोट किया, क्योंकि वो मोदी जी के सारे झूठे बहाने देख चुकी है पहले। अभी जो महिला पहलवानों का मुद्दा है बड़ा जोर शोर से चला था, बृजभूषण शरण सिंह पर जो उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया, लेकिन बाद में वो हटा लिया गया, जो लड़की के पिता उन्होंने कहा दबाव बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहूँगा? जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लेके मैदान में आए थे और एक नारा और था बेटियों के सम्मान में, बीच भी है जो मैदान में। आपने ही अपनी बात को क्लियर कर दिया, जैसा कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा था, और ये आपने देखा होगा किस तरह से अपने नेताओं का बचाव करती है सरकार, और बेटियों को जो हमारे मान सम्मान को दूसरे देशों में बढ़ाया उनकी बिल्कुल परवाह ना करते हुए किस तरह एक नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं कि किस तरह का बेटी का मान और मान सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी के सांसद है या मंत्रीगण, उनका कहना ये है ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये जो ओपोजिशन है
जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा मतलब कांग्रेस पार्टी में लगाया गया कि उनके जो बैठाए हुए पहलवान है राजनीतिकरण किया गया है, इस जो को हाईजैक कर लिया गया है इस आंदोलन को। चलो वो तो देखो, वो विपक्ष के बारे में तो ऐसा ही कहेंगे जो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को हम अपने नेता के फेवर में लें। वो तो कोई ना कोई तो बहाना बनाएगी सरकार इस चीज़ को। अगर वो इतने सच्चे हैं तो क्यों नहीं कर लेते सारी चीज़। अगर आप जनता विश्वास करे, नरवाना की जनता विश्वास करे, आप पहली समस्या क्या, अगर आप आते हो आपको कोई मंत्री पद मिलता है तो पहली समस्या क्या सॉल्व करोगे नरवाना के लिए? देखो, समय ने मेरा साथ दिया और यहाँ से विधायक बनाया, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आम जो जैसे पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेटियों की बसों की समस्या, चिकित्सा की समस्या, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन समस्याओं का समाधान करूं ताकि आम जन को लगे कि हाँ नरवाना में कोई बना है इस बार। जैसे नेतागण होते हैं पहले बात कुछ और करते हैं, बाद में कुछ और होता है। मैं सर्वे कर रहा हूँ कई गांव का, मैंने किया भी है। वो कह रहे हैं भाई जब वोट का टाइम आता है तब तो भाई हमारे पाँव में पड़ते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद हम बात करने जाते हैं हमें दूर से ही भगा दिया जाता है। ऐसा कुछ तो नहीं चेंज मिलेगा? आप मेरे को शायद जानते हैं या ना जानते हैं, मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना शांति से, ये मेरे व्यवहार और लोगों के प्यार की वजह से बैठी हूँ। ऐसा मेरा कोई रवैया नहीं रहा, मैं पब्लिक डीलिंग में ही ज़्यादा रहती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे से जितना अच्छा हो मैं करूँ, बुरा ना कर सकूँ किसी का। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। जब आप विधायक बन जाएंगे, जनता आप पे विश्वास कर लेगी, तब की हम स्थिति बता रहे हैं, तब क्या स्थिति यही रहेगी? जनता में रहेगा आपका, मिलनसार रहोगे आप, उनकी समस्याएं सुनोगे? मैंने हर बात जनता की बात को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। मैं पहला इलेक्शन लड़ी, लोगों ने ये सोचा कि ये चीज़ आप में कम है, वो कम है, ये कम है। मैंने पूरी कोशिश करी उसको पूरा करने की, मुझे लगा कि मुझे मेरे में है कुछ कम, मैंने उसको पूरा किया। अगली बार आई, अगली बार मैंने और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया। और आने वाले समय में तो देखो, उम्र के साथ तजुर्बा सारी चीज़ें सिखाता है आपको। एक न्यूली मैरिड हो, एक पारिवारिक हो, एक बुजुर्ग हो, समय के साथ साथ सारी चीज़ें आपके अंदर समावेश होती हैं और जो एक सभ्य समाज का निर्माण करती हैं। आप कह रहे हो कि अगर ये हम सत्ता में आते हैं तो हम पहला काम है जो भी है जनता का करेंगे और उन मिलनसार रहेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार बार बार कह रही है हमारी सरकार 20 साल और रहेगी, जनता हमें पहले से भी ज़्यादा बहुमत देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटेप्ट कर रहे हैं पूरी कांग्रेस की बयानबाजी को। करने दो, वो उनका काम है। लेकिन अब ये जो 2 बार सरकार बन चुकी है ना, ये 20 साल कोई अतिशोक्ति है? ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये धरती पर सूरज उतारने की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। जनता इनकी सारी चालबाजियां समझ चुकी हैं, अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। पहले जनता बहकावे में आ गई थी, क्यों नहीं आएगी? मैं आपको कहूँगी, मैं ये आपके लिए अच्छा करूँगी, मैं 15 लाख रुपए आपके खाते में डालूंगी, जिस आदमी के खाते में 1 रुपए नहीं। मैं वो तो कह रहे हो जुमला था, अपने आप ही कहने लग गए ना, वो जुमला था। लेकिन हम सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए जो मंत्री कर देते हैं, लेकिन ना तो मैं झूठ बोलती, जितना मेरे से होगा मेरी कोशिश रहेगी मैं काम करूँ। मैं कौन सा बाहर से थोड़ी ना हूँ, यहाँ की बहू हूँ। मेरी कोशिश करेगी मैं अपने परिवार का मान सम्मान बनाऊँ, हमारे हल्के के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करूं ताकि उन्हें लगे कि हाँ हमने इस बार विद्या रानी को चुनकर बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी, नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। अब विद्या रानी जी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या जनता है विश्वास कर पा रही है विद्या रानी जी पर? और विद्या रानी ये जो लोगों से मिलनसार लग रही है आपको, है कि कनेक्टिविटी सही है? देखो ऐसा है, विद्या रानी ने 2 चुनाव लड़े हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहती है, सामाजिक कार्य करती है। और कांग्रेस पार्टी 3री बार भी इस पर पूर्ण विश्वास करेगी और इसको टिकट देगी, MLA बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ईद की बार तो इतनी लहर है कि हमारे पास प्रत्याशी और कई हैं। कांग्रेस की लहर को देखते हो ना, प्रत्याशी कई आ रहे हैं, वो कहें मेरे को भी टिकट चाहिए, वो कहें मेरे को भी चाहिए, लेकिन योग्यता के आधार पर और उसके आधार पर विद्या रानी को टिकट दी जाए। जनता के बीच आप रहते हो, आप उनसे कनेक्ट रहते हो, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जनता विद्या रानी को ही जो विधायक के रूप में देखना चाहती है? जरूर देखना चाहती है, जो आदमी स्वभाव से ठीक है, मिलनसार है, पढ़े लिखे है, समस्या का ज्ञान है, उसी को जनता चाहती है। और विधायक तो रामनिवास सुरजाखेड़ा भी है कि आज तक कभी किसी ने उसको आएगा देखे नहीं, चाहे किसी का कोई भी मुद्दा है, लोग यहाँ सड़कों में बैठे हैं। 500 करोड़ रुपये उन्होंने अप्रूव कराए हैं सीवरेज के लिए, ऐसे ये झूठा जुमला है। ये पैसा आप कमेटी में जाकर एक बार देखें, जो पैसा कहना कमेटी के खर्च के लिए आते हैं वो पैसा अपने नाम का डंडोरा पीट रहे हैं। विद्या रानी जी, आपसे एक क्वेश्चन हो रहा मेरा, हमने होर्डिंग देखे हैं, पहले होर्डिंग देखा था उस पर था रामनिवास सुरजाखेड़ा जी का
उस पर पिक्चर है और एक साइड में खट्टर साहब की है, और उस पर लिखा 500 करोड़ रुपये जो अप्रूवल करा दिए गए सीवरेज की समस्या ख़त्म करने के लिए। उसके कुछ टाइम बाद है, हम देखते हैं एक साइड में जो हमारे मिर्जा साहब जी चेयरपर्सन है, और साइड एक साइड में है JGP के जो सुप्रीमो है दुष्यंत चौटाला जी, उस पर लिखा है हमने 75 करोड़ 80 लाख रुपये सीवरेज की समस्या के लिए जो अप्रूवल कराए गए हैं। लेकिन आज जो जनता हमने देखी उनका यही कहना था कि जो समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, ये होर्डिंग्स बाजी क्या चल रही है, वो तो उनसे जाके पूछिए ना आप। ये आपकी भी कुछ इस पे राय होगी ना, कोई पर्सनल राय? मैं तो ये कहना, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज को। मैं तो ये कहती हूँ ना, घी तो अंधेरे में पड़ा दिखा करे, पड़ा दिखा करे ना, तो वो जब होगा काम होगा, पैसे आएंगे, आम सबको दिखाई देगा। मेरे कहने से, मैं तो कहूँगी तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, विपक्ष की हूँ मैं, उनको राजनीति में घेरना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो भी दिखेगा, बुरा करेगा वो भी दिखेगा। विद्या रानी जी विधायक बनती है और जब ये समस्या है, आप कह रही हम पहले करेंगे, वो होर्डिंग झूठे तो नहीं रहेंगे? जैसे आज के जो हालात है, विद्या रानी जी का कोई होर्डिंग झूठा नहीं होगा, जो जो अप्रूवल भी होगी नरवाना की जनता की भलाई के लिए वो सही होंगे और ग्राउंड लेवल पे काम होगा। मैंने झूठ की राजनीति कभी नहीं की है और ना करूँगी। एक महिला है, महिला के मान सम्मान के लिए, महिलाओं को ये सोचा जाता है कि ये परिवार को चलाती है, इनमें सारी भावनाओं का समावेश है, अपने बच्चों को मैं अगर झूठ बोलूँगी मेरे बच्चों को क्या संस्कार दूँगी मैं? तो इस आधार पर मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं कोशिश करती हैं कि मुश्किल से तो इन्हें घर से निकलने का मौका मिलता है, और निकल कर भी ये झूठ की राजनीति कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जनता को क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं जनता को ये कहूँगी कि बहुत हो लिया इनके बहकावे में आके, इस सरकार को आपने मौका दे के देख लिया। कांग्रेस पार्टी आपकी 36 बिरादरी की पार्टी है, जन जन को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम बहकावे में नहीं रखते, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप हमारा हाथ पकड़िए, हमारे साथ चलिए, और आपको हमारे साथ चलने पर आपको लगेगा कि हम सही के साथ हैं और ठीक के साथ हैं और विकास के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।